वेलकम व्यूअर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफिन। आज बीनिश के टिफिन में क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं दाल पूरी। आपने दाल पूरी तो खाई होगी अपने बचपन में, स्कूल के ज़माने में। तो आज मैं आपको वही दाल पूरी आपको बनाना सिखाऊंगी, ताकि आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं। क्योंकि आजकल के दौर में तो ये इम्पॉसिबल है कि हमारे बच्चे ये चीज़ें ट्राई करें। अनहाइजीन का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए हमारे बच्चों ने तो ये कभी ट्राई नहीं की होंगी। तो आज मैं आपको दाल पूरी की रेसिपी सिखाऊंगी, ताकि आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं जो आपने खाई है, लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दाल पूरी की रेसिपी। जो स्कूल वाली जो हम खाते थे बाज़ार से, ठेले से, वही दाल पूरी हम रेडी करेंगे, ताकि स्कूल का बचपन का ज़माना भी याद हो जाए दाल पूरी के बहाने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दाल पूरी की रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूं जो हम इस दाल पूरी में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप जो है मैदा लिया है, 2 पिंच ऑफ अजवाइन लिए, 1.5 कप जो है मैंने चने की दाल ली थी, इसको वॉश करके भिगो दिया था 1 से 2 घंटे के लिए, 2 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 1/2 मैदे में ऐड करेंगे, 1/2 दाल में ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ली है। यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, एंड में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सर्व करना है, तो इसमें मेजरिंग नहीं है, आप जितना चाट मसाला लेना चाहें, आपको पसंद है उतना ले लें आप, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। और ये इमली का पल्प है, इसकी भी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप जितना इमली का पल्प आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दाल पूरी की रेसिपी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दाल को पकने के लिए रख देंगे। इतने में हम जो है पूरी का जो है हम डो रेडी कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ पकने के लिए। दाल में जो है मैंने 3 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी, सॉल्ट भी ऐड करेंगे, इसमें जो है सारा सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, 1/2 जो है हम दाल में ऐड करेंगे और 1/2 जो है हम मैदे में ऐड करेंगे। तो मैं 1/2 इसमें ऐड कर देती हूँ और दाल को जो है पकने के लिए रख देती हूँ। फिर दाल इतने में जो है हम पूरी का डो जो है रेडी कर लेते हैं। अब हम पूरी का जो है डो रेडी कर लेंगे, इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है हम ऑयल भी ऐड कर देंगे। और इसको हम पानी से गूंद लेंगे। इस डो को जो है बिल्कुल हार्ड रखना है, रोटी का जो डो होता है उतना सॉफ्ट नहीं रखना, डो जो है बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। तो चलिए मैं इस मैदे को गूंद लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हार्ड होना चाहिए। डो जो है रेडी कर लिया है और ये हार्ड है, डो हार्ड गूंदना है आपको, सॉफ्ट नहीं गूंदना, क्योंकि जो दाल पूरी की जो पूरी है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, वो सॉगी हो जाएगी, इसलिए जो डो है जो हार्ड रखिएगा। और गूंदते ही इसको फौरन रेडी नहीं करना है, इसको 10 मिनट के लिए रख दें, फिर पूरियां रेडी करें। तो चलिए 10 मिनट के लिए मैं इस डो को रख देती हूँ, फिर पूरियां रेडी करती हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, फिर इसके पेड़े रेडी कर लिए। अब इसको हम बेल लेंगे। पहले रोटी बोर्ड पर अच्छी तरह ऑयल लगाएंगे, मैदा या आटा वगैरह यूज़ नहीं करना है बेलने के लिए, क्योंकि ऑयल में जाके जो है वो नीचे से जलने लगेगा, क्योंकि हमें फ्राई करनी है ये पूरियाँ, तो वो जलने लगेगा, तो इसलिए आप ऑयल लगाएं, आप अपने रोटी बोर्ड पर जो है ऑयल लगाएं। अब इसको हम बेल लेंगे, इसको बिल्कुल बारीक बेलना है। तो चलिए मैं इसको बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बारीक होना चाहिए। बिल्कुल बारीक बेलिएगा पूरी, देखिए मैंने इतनी बारीक बेली है पूरी। अब इसको ये इस तरह से फ्राई कर लेना है और इस तरह से जो है इसको प्रेस करना है, क्योंकि इसको हमने क्रिस्पी बनानी है। जितनी पूरी बारीक होगी उतनी जो है जो हमारी पूरी है वो क्रिस्पी बनेगी। इसको प्रेस कर लें, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो पूरी जो है क्रिस्पी नहीं होगी, जल्दी पक जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी, तो उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है हमें पूरी को जो है फ्राई करना है, क्योंकि हमें इसको पूरी को क्रिस्पी रख। अब इसका साइड चेंज कर लेंगे, इसका अब जो है साइड चेंज कर लिया है, इस तरह से भी इसको प्रेस कर करके हम जो है प्रेस करते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। इस तरह से जो है मैं सारी पूरी रेडी कर लेती हूँ।
फिर मैं आपको पूरी रेडी करके और दाल जो है रेडी हो जाती है तो फिर मैं आपको फाइनल डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। दाल पूरी रेडी है। दाल को जो है मैंने हैंड बीटर से बीट कर लिया था। अब मैं आपको एक सर्व करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें दाल पूरी रेडी करनी है। सबसे पहले एक पूरी लेनी है, इस पे ये दाल ऊपर से स्प्रेड करनी है इस पर। इसमें दाल ऊपर से स्प्रेड करके अब इसमें हम ऊपर से जो है इमली का पल्प डालेंगे। और ये हम ऊपर से जो है चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से ये दाल पूरी रेडी है। आप मेरी रेसिपी से दाल पूरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी दाल पूरी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पर न्यू विज़िट किया है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।